भोजपुरी फिल्मों की तातल अदाकारा यानी कि हॉट एक्ट्रेस मोनालिसा एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं, क्योंकि इस बार मोनालिसा बिग बॉस 10 की कंटेस्टेंट बनी है और दर्शकों को अब भोजपुरी तड़का देखने को मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि मोनालिसा लिप लॉक सीन और टॉपलेस फोटो से अधिक फेमस हुई थी, तो वहीं टॉपलेस सीन और बी ग्रेड फिल्में करने से मोनालिसा के माता पिता बहुत नाराज हो गए थे। मोनालिसा को भोजपुरी फिल्मों की सबसे हॉट अदाकाराओं में से गिना जाता है। डायरेक्टर को उम्मीद रहती है कि फिल्म में अगर मोनालिसा है तो फिल्म हिट जरूर होगी। साथ ही आपको बता दें, फिल्म एक बार फिर मैंने प्यार किया में मोनालिसा ने कई हॉट सीन दिए थे, इसमें कई लिप लॉक सीन भी थे। मोनालिसा अब तक की भोजपुरी की सैकड़ों फिल्में कर चुकी हैं, तो वहीं बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज की वजह से भोजपुरी जगत में एक अलग ही पहचान बना चुकी अदाकारा मोनालिसा ने रवि किशन, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी जैसे बड़े स्टारों के साथ काम किया है। मोनालिसा ने सबसे पहले बंगला फिल्म में स्नेवर प्रतिदान किया है, इसके बाद उड़िया एल्बम और टीवी एक्ट्रेस के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत में ही भरपूर हॉट सीन्स दिए और दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गई। मोनालिसा को साल 2013 में बेस्ट अदाकारा का NBC अवार्ड भी मिल चुका है। मोनालिसा कोलकाता में नौकरी करती थी, उन्हें 16,000 रुपए सैलरी दी जाती थी। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग होटल में आते थे। एक दिन कुछ लोगों ने मोनालिसा से कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। उसके बाद मोनालिसा बंगला फिल्मों में काम खोजने लगी। कुछ बंगाली सीरियल और फिल्मों में छोटे मोटे काम करने के बाद मोनालिसा को कामयाबी नहीं मिली, तो वो साल 2004 में मुंबई आ गई। एल्बम जरा जरा बहकता है और रेशम का रुमाल में उन्होंने काम किया था। उसके बाद पहली हिंदी फिल्म तौबा तौबा में उन्हें काम करने का मौका मिला था। साल 2007 में मोनालिसा की भोजपुरी की पहली फिल्म कहां जाइब राजा नजरिया लड़ाई के मिली थी। इस फिल्म के एक्टर दिनेश लाल यादव थे। इसके बाद मोनालिसा को एक के बाद एक भोजपुरी फिल्में मिलने लगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से जूही की रिपोर्ट।